फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आप पहले पेन ले लीजिए और उससे निशान लगा लीजिए तिरछे तिरछे से, जैसे मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ वीडियो में। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसी के ऊपर अपना मेहंदी का किप चलाना है और 2 से 3 लाइनें इसके ऊपर ड्रॉ करनी है और अंदर डिज़ाइन बनानी है, और आपकी डिज़ाइन बहुत ही सुंदर बन के तैयार होगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने पेन से पूरा ड्रॉ कर दिया है। अब मैं मेहंदी के किप से बिल्कुल धीरे धीरे आराम से करना है, आपको कोई जल्दी नहीं है। इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर पूरी लाइन ड्रॉ कर दी है। उसके पास मैं अब यहाँ पर 2 लाइन और ड्रॉ करूँगी, तो मैं आपको बाद में करके दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा इसे और वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए मैंने इधर लाइन ड्रॉ कर दी, उसी प्रकार से आपको दूसरी तरफ भी लाइन इसी प्रकार ही ड्रॉ करनी है। और अगर आपको मेरी ये डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करें। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये दोनों तरफ चेक्स जैसे बना दिए हैं, जो तिरछे तिरछे हैं। आप बिल्कुल आराम से बनाइए, कोई जल्दी नहीं है। अगर लाइन थोड़ी टेढ़ी भी होती है तो हम लोग बिल्कुल कोई परफेक्ट नहीं है, सब प्रैक्टिस से ही आता है। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छी डिज़ाइन बनेगी। और नीचे फिनिशिंग के लिए आप जितना एक्स्ट्रा लाइन है उसको कट करके। तो फ्रेंड्स ये मैंने यहाँ पर चेक्स बना दिए हैं। आप अंदर डिज़ाइन कुछ भी फील कर सकते हैं। अगर आपको फ्लावर बनाना आता है तो आप फ्लावर बना सकते हैं, और अगर कुछ डिज़ाइन नहीं आती है तो आप चारों तरफ से उसको डॉट डॉट लगा कर कम्प्लीट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए ये डिज़ाइन बनाई है, और जब ये पूरी कम्प्लीट हो जाएगी तो आपका हाथ बहुत ही सुंदर लगेगा। अगर इसमें कुछ थोड़ी बहुत गलती भी होती है तो नज़र नहीं आती है, मेहंदी रचने के बाद बहुत ही सुंदर लगती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। फ्रेंड्स देखिए मेरा हाथ यहाँ पर कंप्लीट हो गया और बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा। यहाँ पर थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है या गलती होती है तो मालूम नहीं पड़ती है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए।